धरती पुत्र नंदिनी का सेट आप धारावाहिक देख रहे होंगे। गांव और शहर दोनों जगह पे यह धारावाहिक काफी पॉपुलर हो रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसा धारावाहिक आया है जिसमें गांव और शहर का प्यार दिखाई दे रहा है। नंदिनी एक गांव की लड़की और आकाश अमेरिका से रिटर्न हुआ, माने कि आप समझ सकते हैं कि लव होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आप सीरियल में देख रहे होंगे। लेकिन अयोध्या, अवध और पूर्वांचल में ये काफी मशहूर हो रहा है। उधर के लोग एक बार फिर से दीपिका चिखलिया यानी कि सीता जी को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं और उसके साथ साथ आकाश और नंदिनी को काफी प्यार भी दे रहे हैं। लोग इसको बेस्ट जोड़ी भी बताने लगे हैं। आज आकाश यानी कि अमन जायसवाल हमारे साथ हैं, हमने उनको पकड़ रखा है आज अकेले आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कमेंट में पढ़ते रहते हैं, हम उनके बारे में कुछ लिखते हैं तो लोग पूछते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो आज सारे जवाब आपको इनसे हम दिलवाते हैं। आकाश बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू विवेक। नमस्ते, मैं अमन जायसवाल हूँ। और माइक पकड़े रहिए। अब हम आपसे शुरू करेंगे कि सबसे पहले आप बताइए कि आप बलिया से दिल्ली, दिल्ली से फिर ये मुंबई, ये एकदम से ना अलग अलग है, एकदम तीनों शहर अपने आप में एकदम अलग है। जी जी जी। तो ये झलकता क्यों नहीं बलिया वाला आपका, आपके चेहरे पर इतना हंसमुख चेहरा है ना जो दर्शक देख रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, बलिया के लोगों का चेहरा हंसमुख नहीं होता है? नहीं नहीं होता है, बट वो बागी बलिया टाइप वाला समझ में नहीं आता कुछ। तो आपके हिसाब से बलिया वालों का चेहरा कैसा होता है? मतलब चेहरा प्यारा होता है। मैंने आपको काउंटर अटैक दिया। अब देखिए उत्तर नहीं देना चाहते। चलिए इतना सिर्फ बता दीजिए कि जर्नी को बलिया का नाम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं, आप ही बताइए। नहीं, ऑब्वियसली बलिया जो है बागी बलिया के नाम से, रिबेलियंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो, जहाँ बलिया की जो हिस्ट्री है काफी क्रांतिकारी, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और बाहर साइलेंस बोल दिया गया इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा। तो मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी स्ट्रगलिंग कह सकते हो, स्ट्रगल से भरी हुई थी और काफ़ी लंबी थी। 5 साल लग गए मुझे बलिया से दिल्ली और दिल्ली से फिर बॉम्बे आने में। तो मुझे, मैं जब 17 ईयर्स का था, तो जब मैंने 12th पास किया तो मैंने बलिया छोड़ के फिर मैं दिल्ली आया। और उसके बीच में भी मैं दिल्ली ट्रैवल करता रहता था। दिल्ली में भी मेरा घर है तो वहाँ पे मैं चाचा के साथ रहता था। तो बीच बीच में ऐसे ट्रैवल करता था, स्कूल टाइम पे मैं जाता था तो वर्कशॉप करता था दिल्ली में। फिर 12th के बाद कम्प्लीटली मैंने एक्टिंग को परस्यू किया। फिर दिल्ली से मेरा ग्रेजुएशन भी चलता था और मैं थिएटर भी करता था। 3 साल मैंने प्रॉपर थिएटर किया। उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में था तब मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट किया था। तो मैंने 3-4 साल ऑडिशन देने में मेरे बीत गए। और फाइनली अभी ऊपर वाले के मेरे कर्मों से ऊपर वाला मुझे अभी मेरे सपनों को जीने का मौका दिया और मैं जी रहा हूँ अपने सपने को। राम जी खुश हैं आपसे, इसका मतलब राम जी खुश हैं। और स्टोरी भी आपने लगाई है अयोध्या की। जी, तो आपने पढ़ा होगा उसमें कैप्शन मैंने डाला है कि मैंने दादाजी से अपने, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ और दादाजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं दादाजी मेरे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं बचपन से उनके साथ ही रहता था, वो मुझे श्लोक सिखाते थे, बहुत सारे मुझे मंत्र अभी भी आते हैं, उस टाइम का सीखा हुआ मुझे अभी भी याद है। तो मैं राम जी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। अच्छा, अभी आप मुंबई आ गए हैं, गांव की कुछ ऐसे लम्हे जो आपको बड़े मिस करते हैं, जब आप ये शो कर रहे हैं ना तो आपको कुछ गांव, जो गांव के सीक्वेंस वैसे दर्शक देख रहे हैं, जब कुछ शूट होता है तो कुछ ऐसा कनेक्ट करता है गांव से, नंदिनी या फिर ऐसे कोई बचपन की नंदिनी याद आती है आपको गांव की? नहीं, कोई बचपन में नंदिनी थी नहीं मेरी लाइफ में, लेकिन हाँ गांव की बहुत सारी चीजें याद आती हैं। जैसे मुझे अभी भी गांव जाने का बहुत मन करता है और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मेरे गांव से ही, मोस्टली मेरे गांव के ही दोस्त हैं। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, मैं बहुत मेरे को अकेला रहना पसंद है। लेकिन मेरे जितने भी अभी मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सब मेरे गांव के हैं और मैं हमेशा उनसे टच में ही रहता हूँ। मैं हमेशा वहाँ की खबर लेते रहता हूँ कि वहाँ कैसा चल रहा है, सब क्या चल रहा है, कैसा शो को लेकर के क्या है गांव में, शो को लेकर। अमन को, अमन छोटा था, 12वीं के बाद निकल गया, फिर दिल्ली पहुंचा, अब मुंबई, तो अब गांव में लोग तो आपको देख रहे हैं सीरियल काफी। बिल्कुल, तो
कभी इस अमन ने सोचा नहीं था कि यहाँ ये बॉम्बे में आके इतने माया नगरी में आके ऐसा कुछ करेगा। तो ये इस अमन ने आई गेस जब ये क्लास 8 में था मैं तब मैंने एक मूवी देखी थी कल हो ना हो शाहरुख खान की और उस मूवी में उसका नाम था अमन। तो मैं फर्स्ट टाइम टीवी में देखा था कि यार टीवी में अमन कैसे, मतलब मेरे पापा मूवी देख रहे थे कल हो ना हो और मैं पहले बिल्कुल मूवीज़ नहीं देखता था, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था मूवीज़ देखने में, मैं कार्टून्स वगैरह देखता था और मेरी शक्ल भी उतनी अच्छी खास नहीं थी, वो तो हेरिडिटी नहीं बनाई है वो हेरिडिटी है, मतलब आप जब बड़े होते हो तो आपकी फेस कट हाँ। आपकी वो टीनेज टाइम आती है, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है आपके फेस में आपके बिहेवियर में। तो उस दौरान मैं थोड़ा अपने आप मैं मेरे अंदर एक ग्लो अप आने लगा था, मैं थोड़ा अच्छा दिखने लगा था उसके बाद से। तो उसके पहले मैं अच्छा दिखता नहीं था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। तो जब मेरे पापा जी मूवी देख रहे थे और मैं पीछे से आया और मैं टीवी में अपना नाम सुना अमन, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा टीवी में अमन कैसे। तो वो कल हो ना वो मूवी थी और मैं बैठ के वो पूरी मूवी देखी मैंने और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस मूवी से। फिर मैंने कहा यार अगर वो अमन कर सकता है तो ये अमन क्यों नहीं, मतलब फिल्म में आने का या पर्दे पे नहीं, वो इंस्टेंट ऐसा नहीं था कि मुझे उस टाइम ही ऐसा नहीं लगा कि मैं, क्योंकि उम्र भी आपकी छोटी थी उस, हाँ छोटा था मैं, क्लास 8-9 में था मैं, तो मैंने ऐसा नहीं था कि उस टाइम ही ऑन द स्पॉट हिट किया कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ वो दिल में वो चीज कहीं ना कहीं लगी थी यार कि वो मन कर सकता तो ये मन क्यों नहीं। फिर उसके बाद से मेरे शक्ल में थोड़ी चेंजेस आने स्टार्ट हुए, तो मैं थोड़ा अच्छा दिखने लगा पहले से। अच्छा ये कब पता चला कि आप अच्छे दिखने लगे? क्यों मैं बताता हूँ, तो लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, लोग कहते थे यार तू बड़ा हैंडसम है, फिर मैं टॉल भी था तो लोग कहते थे यार अमिताभ बच्चन जी। तो मैंने कहा कि यार, फिर उन्होंने बोला कि यार तू मॉडलिंग करो, तो मैंने कहा कि हाँ चलो शुरू करना चाहिए कहीं ना कहीं से, लेकिन मेरी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट थी और मुझे उनको मनाने में एक साल लग गया कि यार नहीं मुझे करना है। पहले तो मैं छप छप के करता था, किसी को पता नहीं था, मैं दिल्ली जाता था, मैं बोलता था ऐसे घूमने आया हूँ, बट मैं जाके मॉडलिंग भी करता था साइड बाय साइड, वर्कशॉप्स भी करता था, तो किसी को पता नहीं था। फिर जब मैं खुद को मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अब ये करना है, फिर मैंने मम्मी को सबसे पहले बताया और मेरी माँ ही थी जिन्होंने सबको कन्विंस किया कि नहीं इसको प्लीज करने दीजिए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बाकी किसी ने किया नहीं था। पापा को मुझे मनाने में बहुत टाइम लग गया। फैमिली में कौन कौन है, आपके भाई बहन? तो मेरी जॉइंट फैमिली है मेरे होम टाउन में, और सगे भाई बहन, मेरा एक छोटा भाई है, मतलब बड़े आपसे? हाँ मैं बड़ा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पापा आपकी चाहते थे कि आप आईएएस अधिकारी बने। जी तो मेरे पापा, बड़ा सपना होता है। मेरे पापा आईएएस एस्पिरेंट थे, वो इलाहाबाद से अपनी स्टडी करते थे और बहुत पढ़ने में तेज थे वो, तो वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो अपना सपना मतलब चाह रहे थे कि बच्चा पूरा करे इस चीज को। हाँ तो वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब वहाँ पे अपने कलीग को पढ़ाते थे, और वो अभी बहुत हाई लेवल पे अभी हायर पोस्ट पे, बट ड्यू टू सम रीजन उनके पापा जी, मतलब जो मेरे पापा घर में सबसे बड़े, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और कुछ मजबूरियाँ थी, तो दादाजी ने उनको पढ़ने नहीं दिया पूरा, और मुझे उनको बुला लिया घर कि आ जाओ भाई बिजनेस संभालो, दादाजी बिजनेस करते थे, तो फिर वो पढ़ नहीं पाए और उनका सपना था कि यार वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, तो उनने सोचा कि मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा, और मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, बड़ा बेटा हूँ, मेरे टोटल 6 भाई हैं, 6 मतलब बाकी मेरा रियल भाई एक ही है, बाकी 6 कजन्स है, तो सबको उम्मीदें थी कि नहीं ये बहुत कुछ करेगा अपने लिए, मतलब पढ़ाई के फील्ड में कुछ करेगा, किसी को पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। और बलिया में मैं बिल्थरा रोड का रहने वाला हूँ, तो इवन बलिया में भी दूर दूर तक कोई नहीं है इस इंडस्ट्री से, मतलब भोजपुरी सिनेमा से होंगे बट एक्टर नहीं है, तो इवन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ये चीज़ करूँगा, बट वो धीरे धीरे चीज़ें हुई, तो जर्नी लंबी थी बट हो गई। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी जी जी। किताबें पढ़ते हैं? नहीं मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। शौक किस चीज़ का है? शौक मुझे मूवीज देखने का, मैं गाना गाता हूँ, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ, हाँ गाने का शौक है। गाने का शौक है? गाने का शौक है। बाकी आप गांव में तो रहे ही हैं, ये पहली बार होगा कि हम चाहेंगे कि भोजपुरी भूल गए या फिर आती है आपको?
ना भोजपुरी तनी मनी आवेला, तनी मनी उतना ना आवेला बट तनी मनी आवेला तो समझ में। अगर देखा तो मन तो का तनी उनका कुछ ऐसे बोल के बतावा वो ये करे कि अमन के मुंह से पहली बार सुन पानी हम ये चीज मैंने समझ में पूरा आवेला। अपन सीरियल है प्रचार कर देना कि हमारे की सीरियल देखा जाएगा। हमार सीरियल प्लीज देखिए आप लोग और बहुत प्यार दें इनके इस सीरियल के और ना इस सीरियल के हाँ। और हमके भी तो, कठिन है अमन जी? कठिन तो नहीं है, मतलब मेरी परवरिश जो हुई है शहर में नहीं, परवरिश मेरी वहीं पे हुई है लेकिन मैं कैंपस से अपने बाहर नहीं जाता था कभी, मतलब मैं अपने घर में ही खेला करता था और घर में सब हिंदी बोलते हैं तो भोजपुरी उतना बोलते नहीं, बट मतलब आप एक समझ में आप घर घर में पहुंच गए ये जी। बहुत अलग चीज होती है ना कि आप जी, एक घर में बंधे रहें जी। फिर आप एक घर घर में पहुंच जाएं। आपको पता है कि आपका सीरियल नजारा टीवी का ये काफी बेहतरीन चल रहा है अवध और पूर्वांचल में जी, मतलब कह सकते हैं कि कई सारे सीरियल्स को रेटिंग में पीछे कर रहा है जी जी जी। अभी आने वाले समय में क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं? हम नहीं कहेंगे कि स्टोरी आप डिस्क्लोज कर दीजिए लेकिन कुछ आप बताएं। जैसा कि अभी तक आप देखा अभी तक 20 एपिसोड रिलीज हो चुका है, ऑन एयर चला जा चुका है, जितना आपने ट्विस्ट देखा है इससे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको अभी तक आपको बोर होने का मौका नहीं मिला, बहुत हमारा सीरियल जो है बहुत फास्ट है, बहुत क्विक दिखाते हैं चीज़ें एंड ऑडियंस को बोर कभी नहीं करते दर्शकों को, तो आगे भी आपको एक से एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यार ऐसा अच्छा ऐसा भी करना है, अच्छा ऐसा भी करना है। एक फिल्म आई थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, नसीरुद्दीन शाह की थी। नहीं मैं ये पूछूंगा कि आपका चेहरा देख के हम ये पूछेंगे जरूर कि अमन को गुस्सा कब आता है, किस बात पे कभी गुस्सा अगर आना हो तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गुस्सा दिला सकती है? मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर था, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता था तो, लेकिन अभी नहीं हुआ यार, मैं अभी बहुत पेशेंट हूँ, मैं जल्दी गुस्सा नहीं करता, मैं मुझे इतनी जल्दी तो गुस्सा नहीं आता, पहले आती थी बट अभी नहीं आता। आता तो नहीं, कोई ऐसी चीज होगी जिस मेरी मेरे मेरे मन मुताबिक चीजें ना हो तो मुझे गुस्सा आता है। सेट पर जैसा कि मैंने बोला मेरे मन मुताबिक चीजें ना हो और तो मुझे गुस्सा आता है। अब मैं पर्टिकुलर कोई चीज ऐसा है, ऐसी चीज नहीं है कि मुझे उस चीज पे गुस्सा है बट हाँ। अच्छा, आप दादाजी और पिताजी का रिएक्शन क्या रहता है? मेरे पिताजी से ज्यादा खुश मेरे दादाजी हैं क्योंकि दादाजी भी एक टाइम पे वो भी टॉल है और अपने टाइम में आध्यात्मिक है और एकाएक सीता जी का पोता बन गया तो दादाजी को ऐसा नहीं लग रहा है कि यार सीता जी का पोता और इतना आध्यात्मिक वो की धरती काफी इस चीजों से बहुत बहुत ज्यादा खुश है वो। और इसके पहले मैं एक माइथू शो कर हिस्टोरिकल शो कर रहा था अहिल्या भाई, तो वो उनका मेरा यशवंत का कैरेक्टर था वहाँ पे, तो वो उनसे उस कैरेक्टर से बड़ा इंस्पायर हुए कि नहीं वो योद्धा है और वो उस टाइप का हिस्टोरिकल शो हमेशा से मुझे चाहते थे कि मैं वो वैसा कुछ करूँ, उस शो को देख के बहुत खुशी हुई और ये शो मिला तो फिर तो उनका उनकी खुशी मतलब बियॉन्ड द लेवल, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। मेरे पिताजी से ज़्यादा खुश मेरे दादाजी हैं और दादाजी भी पहले बहुत हैंडसम हुआ करते थे और बहुत शौकीन थे हर चीज़ों के, तो दादाजी का भी सपना था कि वो एक्टर बने लेकिन उनके पिताजी जाने नहीं दिए, तो वो बहुत खुश हैं कि नहीं यार उनका सपना मैंने पूरा कर दिया। पापा का तो नहीं कर पाया बट मेरे अपने दादाजी का सपना पूरा कर दिया मैंने। आपको तो बहुत सारे आईएएस स्पीशीज देख रहे होंगे बैठ के घर में शायद। अच्छा, देख रहे हो? नहीं लगता कि आप आईएएस नहीं बने, कोई मलाल या फिर ऐसा कुछ? बिल्कुल मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं मतलब मेरी उम्र ज्यादा नहीं और मेरी उम्र नहीं बताया अभी तक मैंने और बताऊंगा भी नहीं, अभी बाद में बताऊंगा कभी अच्छा मौका है, बट मैं कम उम्र है। पढ़ा था कि आप 27 साल के हैं। नहीं वो फेक है। तो एज क्या है आपकी? एज यहाँ पर तो बता दो, बताऊंगा कभी बाद में। तो मैं बहुत कम उम्र में मुझे ये मुकाम मिला है, ये ब्रेक मिला है। मैं पहले अपने किस्मत को कोसता था कि यार चीज़ें हो नहीं रही, मैं 5 साल से बहुत परेशान था कि मेरे जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे में क्या खराबी है। मैं बहुत एक टाइम आता था कि मैं बहुत डिप्रेस हो जाता था, एक्टर की लाइफ में ये आम बातें आते रहते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिप्रेशन आज के समय में जो खासकर यंग एज के लोग हैं
वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अमन, उनके लिए आप इस डिप्रेशन से बाहर निकले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप क्या कुछ नुस्खा उसमें अपनाते थे क्या इससे बाहर आ जाए? सॉरी प्लीज, मैं सुना नहीं। हाँ, आप सुने नहीं, मैं चाय पे ही चर्चा ज्यादा होती है, दिमाग जल्दी खुलता है। आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मेरा दिमाग बंद हो जाता है चाय के बाद। मैं ये कह रहा हूं, मेरा खुलता है। लोग डिप्रेशन आज के समय बड़ी समस्या है, सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। आप जब डिप्रेशन में जाते थे, जैसे आपने कहा कि आप काफी डिप्रेस्ड हो जाते थे, उस समय अपने आप को कैसे संभालती थी, क्या चीजों से डाइवर्ट करती थी अपने? देखिए, जो इंसान का सबसे बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने लिए सबसे ज्यादा पावरफुल था। मैं किसी पर डिपेंड नहीं था कि मैं, मुझे कोई आएगा, मुझे कोई मेरा मूड ठीक करेगा। मैं जो करता था, मैं खुद से डिप्रेस होता था और खुद से अपने आप को उस चीज़ से, उस डिप्रेशन से ओवरकम कर लेता था। तो इंसान को खुद, मतलब खुद को ना इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बना, अपने आप का अच्छा दोस्त होना चाहिए। कि मैं क्या करता था, मैं डिप्रेस होता था और ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था मेरी ज़िंदगी में। मैं 7 दिन खुश रहता था, 8वें दिन मैं, यार काम नहीं मिल रहा, क्या होगा मेरा, घर से अलग ताने मिलते थे कि क्या कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो इवन मुझे दिल्ली से घर जाने का, होम टाउन जाने का मन नहीं करता था कि घर के ताने सुनने मिलेंगे। सोसाइटी ताने मारती थी कि क्या कर रहा है बाहर जाके, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। तो इस वजह से मैं घर भी नहीं जाता था और मैं चीज़ें, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे एक्टर बनना है। मेरे पापा ने तो बोला नहीं था कि मुझे एक्टर, बेटा एक्टर बन जाके। तो मैं अपना प्रॉब्लम किसी से, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी अपने दुख को किसी से शेयर नहीं कर सकता था। तो वो मैं खुद ही अपने आप से इस चीज़ से ओवरकम कर लेता था। मैं, यार, आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग। मतलब अगर समय सब कुछ ठीक कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। आप किसी दिन आप डिप्रेस हो तो आप अगले दिन, ऐसा नहीं कि आपका सेम वो डिप्रेशन रहेगा, वो धीरे धीरे करके आप अपने आप से ठीक हो जाते हो। यार, मैं तो हो जाता था और मुझे लगता है कि सभी हो जाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ कि वो डिप्रेस होते हैं, फिर वो अपने आप ओवरकम कर जाते हैं उस चीज़ से। और ये ऐसे सभी स्ट्रगलर्स, मैं सभी एस्पायरिंग एक्टर की बात कर रहा हूँ कि उनके लाइफ में ये मोमेंट आते होंगे, हर 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 वीक आते होंगे अगर उनके पास काम नहीं होता हो, कि यार काम नहीं मिल रहा, काश काम मिल जाए, मेरी किस्मत ख़राब है। मैं अपनी किस्मत को बहुत खोजता था। मैं कहता था, यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, ये है वो है। तो मम्मी बोलती थी, नहीं, अपने ऐसे किस्मत को नहीं बोलते। मैंने कहा, क्या नहीं बोलते यार, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। इतना मैं ठीक ठाक, मतलब करता भी था अपने थिएटर टाइम पे, क्या कमी है मेरे में, मैं ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ, तो काम क्यों नहीं मिल रहा। मैं बहुत कूसता था अपने सपने, अपने किस्मत को, बट गलत था। मैं नहीं कूसना चाहिए मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे बहुत कम उम्र में इतनी ज़्यादा मुझे अचीवमेंट मिली। तो एक इंस्पिरेशन होता है किसी एक्टर के लाइफ में, आप किसको अपना बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, जिसको देखते हैं तो आपको लगता है कुछ और भी और कुछ सीखना बाकी है? ये ऑलमोस्ट मैंने सभी इंटरव्यू में बोल रखा है कि मेरे इंस्पिरेशन शाहरुख सर है, क्योंकि उनकी मूवी देख के मैं इंस्पायर हुआ था और उनको ही फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, उनकी जो स्पीचेस होते हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग विद पीपल, तो वो बड़ा डिफरेंट है। उनसे सब कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मतलब एज अ पर्सन आपको कैसा होना चाहिए, आप वेमेन को कितना रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। मैंने उनसे लड़कियों को इज्जत देना सीखा है मोस्टली। मतलब सबसे ज़्यादा मैंने उनसे जो कुछ सीखा है तो मैं वो लड़कियों को इज्जत देना। मैं कभी भी किसी भी लड़की को, मतलब एक दो होंगी शायद जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब बचपन से, उनको मैं तू करके बोलता हूँ। अदरवाइज मैं कभी किसी लड़की को मैं तू करके नहीं बोलता, हमेशा आप करके बोलता हूँ या तुम करके बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो तू करके बोलते वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वहाँ पे तू वाला, यू नो, वैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट था नहीं तू बोलने वाला, तो मैं हमेशा से तुम बोलता हूँ। तू थोड़ा मुझे डिसरिस्पेक्टफुल मुझे लगता है पर्सनली, बट वो जनरली ऐसा है नहीं।
आपने एक जगह पर कहा था, शायद लाइव में ही आपने कहा था कि आपको दो चीजें बड़ी अच्छी मिली हुई हैं ऊपर वाली कृपा से। पहली चीज तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय, वो है आपकी आवाज। बेस कहाँ से पाया? ये शायद मैंने अपने पापा से पाया, पापा की भी आवाज बहुत अच्छी है। और कभी पापा से कहा नहीं कि आवाज की बड़ी जरूरत है इंडस्ट्री में? उनको लगता था कि तेरे तुम्हारे जैसे शक्ल वाले बहुत लोग हैं, तुम्हारे जैसे आवाज वाले बहुत लोग हैं बेटा। अभी तुम यहाँ पे हो, ये छोटी सी नदी है, अभी तुम्हें समुद्र में जाके देखना है, तुम जाओ मुंबई देखो, तुम कितना कितना बड़ा सागर है वो, और तुम्हारे जैसे हजारों लाखों मछलियां पड़ी हुई हैं वहां पे, तुमसे अच्छी अच्छी तुमसे बड़ी बड़ी मछलियां। और बहुत गुस्से में कहते होंगे। चलिए, दूसरी चीज आपने इनके लाइव में जानी होगी कि इनकी दूसरी सबसे खूबसूरती क्या है, वो हम नहीं बताना चाहेंगे। आवाज बहुत इनकी अच्छी है, इंडस्ट्री में कम लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज अच्छी है। कुछ लोग इस आवाज को बनाते हैं और कुछ को ये गॉड गिफ्टेड मिलती है। अमन, फिर भी चर्चा से बात करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है अभी तक का ये लॉन्गेस्ट इंटरव्यू था, और मैंने बहुत अपने बहुत डीप थॉट्स आज शेयर किए। मेरा दिमाग आज बहुत शांत था, और मैंने बहुत शांत बिहेव शांत शांत स्वभाव में रह के बात की आपसे। अच्छा लगा मुझे बात करके। चलिए, देखते रहिए आप धरती पुत्र नंदिनी, और इसी तरीके से इस शो को प्यार देते रहिए, बाकी हम खबरें आपके लिए लेते आते रहेंगे। थैंक यू।